चल रहा है तेल। तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से एक दफ़ा मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली गाइस, अब नींद से जागे थे अभी अभी और रेडी होके अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं ब्रेकफास्ट करके, मैं और आसिफ सर। और आज तो बड़े दिनों के बाद मिले हैं हम गाइस, तो आज आपको कुछ नया करके दिखाने वाले हैं हम। तो लेके चलते हैं जहाँ हम डेली जाते हैं, आपको लेकर हैं इसको स्टार्ट। और मैं देता हूँ अपना बैग आसिफ सर को, ये लगा देंगे इसको आगे। आसिफ सर बैग पकड़ लो, ठीक है ना। तो हम चल पड़े हैं यहाँ से, हो चुकी है स्कूटी रेडी और गाइस लेके चलते हैं आपको आगे। आज तो चलें। तो गाइस हम पहुँच रहे हैं बैंक और यहाँ पे आज भीड़ भी उतनी नहीं है, थोड़ी बहुत तो भीड़ है लेकिन उतनी नहीं है। ये रहा गाइस सामने जेके बैंक, यहाँ पे लगाओ हॉस्पिटल। फाइनली गाइस हम जो है बैंक से हो चुके हैं फ्री और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बैंक से फ्री होके। ये देखिए देखा है गाइस। ये कितना ऑसम एरिया है यहाँ पे, yeah।
पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप पे, अभी डालते हैं यहाँ से तेल और अभी हम यहाँ से निकलते हैं तेल डाल के। तो देख लीजिए गाइस, हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे और ये रहे आप पेट्रोल पंप और ये रही पेट्रोल पंप की रीडिंग और हम डालते हैं यहाँ से तेल और यहाँ पे तो है चल रहा है तेल अभी यहाँ पे। और ये देख लीजिए भैया नोजल लेके खड़े हैं, तेल डाल रहे हैं इसमें और ये रहे सर। और तो लगता है गाइस तेल हो चुका पूरा हमारा और अभी हम यहाँ से निकलते हैं। फाइनली गाइस हो चुके स्कूटी रेडी और भैया अच्छा भैया ठीक है सर चलते हैं ओके। तो गाइस आइएगा इनके पेट्रोल पंप पे, डालिएगा तेल यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से, अभी चलते हैं हमें जाना है स्वारा हाई स्कूल, वो चिल्ली वाले एरिया में पड़ता है, चिल्ली 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 वाली साइड पड़ता है ना वो। हाँ इनके सामने कुछ भैया हाई स्कूल कहाँ पर है? यहाँ पर है। थैंक यू। नाम मिला तो कोशिश तो पूरी है कि स्टाफ मिले हमें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहीं पे होगा सारा स्टाफ और मैं रोक लूँगा उनको 5 मिनट के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे तो मुझे यहीं पे दिख रहे हैं और ये रहा स्कूल सामने नीचे और हम जा रहे हैं इसके अंदर और यहाँ पर लगाते हुए स्कूटी को साइड पे और हम जाएंगे स्कूल के अंदर सीधा गाइस। तो अभी अफसर उतर हम उतर रहे हैं स्कूल की सीढ़ियाँ और हम जा रहे हैं स्कूल के अंदर और ये रहा ये पहुँच गए हम स्कूल के पास में बिल्कुल और हम जा रहे हैं यहाँ से अंदर और सीढ़ियाँ उतरते उतरते बिल्कुल सीधा ठीक है। और हेलो ये रहा छोटा बच्चा यहाँ पे कुछ कर रहा है। छोटू इधर आना सर, प्रिंसिपल साहब हैं, हेडमास्टर है इधर ही, इधर ही है, कहाँ है अंदर है, कहाँ पर है, रास्ता कहाँ से है, इधर से आ जाओ। तो गाइस ये रहा रास्ता स्कूल का और हम जा रहे हैं सीधा स्कूल के अंदर और कहाँ से जाना है मुझे नहीं पता और कुछ बच्चे आ रहे हैं यहाँ से सामने से। छोटू स्कूल के लिए रास्ता कहाँ से है? सबसे पहले पेस्ट की जगह में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एस्ट्रो जेल, गीले ब्रश में 2 ड्रॉप डालकर ब्रश करना है दांत साफ हो जाएंगे। उसके बाद सर एज माउथ वॉश, मुंह पक जाता है, किसी का छाले वगैरह पड़ जाते हैं, झुनझुनाहट होती है, ठंडा गर्म लगता है, गम स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग फास्ट हो जाए, ट्रांसफर होते हैं, नीम गर्म पानी में 2-4 ड्रॉप डालकर कुल्ली गरारा करना है। उसके बाद एज पेन किलर के लिए काम करते हैं, किसी का खोखला दांत रहता है या पीड़ी वाला दांत रहता है या खुदा न करे कभी किसी के दांत में शूट पेन हो जाता है, कार्टन में 2-4 ड्रॉप डालकर दांत के नीचे रखना है, 5 मिनट तक रखना है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जरूरी नहीं है आप पेन किलर खाएं, लाइजर डी वगैरह खाएं। जो मीटअप हो चुका है स्कूल में और ये देखिए अभी हम लेके चलते हैं आप। फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं अभी रूम पे अपने लगभग आधा घंटा पहले और अभी तक मैं सो रहा था और आप देख रहे हैं थोड़ा सा नींद वाली आंखें भी हैं मेरी और थोड़ा सा सोया हुआ था बाहर, थोड़ा सा मौसम भी जो है ख़राब है, मैं दिखाऊंगा आपको।
मौसम भी ख़राब है और थोड़ी सी हल्की हल्की बूंद बूंद बारिश आ रही है यहाँ पे, और उतनी तेज़ नहीं आ रही है बारिश, थोड़ी सी हल्की हल्की एक एक बूंद बारिश आ रही है। ये देख लीजिए, ये पहले ब्लॉग में, सबसे पहले ब्लॉग जो डाला था मैंने, उसमें भी मैंने आपको यही गैराज दिखाया था यहाँ पर सामने, और यही एरिया दिखाया था, और आज फिर से यही दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने रूम पर हूँ। तो अभी तक सो रहा था मैं, अभी नींद से जागा मैं, तो सोचा चलो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ कर ही लेता हूँ, एडिटिंग वगैरह। तो चलो मिलते हैं वीडियो के बाद में। फाइनली गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी रूम पे अपने लगभग आधा घंटा पहले, और अभी तक मैं सो रहा था, और आप देख रहे हैं थोड़ा सा नींद वाली आंखें भी हैं मेरी, और थोड़ा सा सोया हुआ था बाहर, थोड़ा सा मौसम भी जो है ख़राब है। मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा मौसम है यहाँ पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो दबा दें।